हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर में मैंने सर्वे का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। इस लेक्चर के अंदर जो भी उसका आगे का पार्ट है वो अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो कल जो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था उसके रिलेटेड मेरे पास कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया था कि क्या सर्वे होता है, कैसे सर्वे करते हैं, क्यों करते हैं, है ना, इसका पर्पज़ क्या है, कैसे हम सर्वे कर सकते हैं, क्या कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक ना। तो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है मेरे पास, वो आप देख लो। ये रहा पहला क्वेश्चन, तो आप देखो उसमें मैच लिस्ट फर्स्ट टाइप ऑफ सर्वे विथ लिस्ट सेकंड पर्पज एंड स्टिल द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लाइंस। इसके अंदर लिस्ट फर्स्ट दे रखी है और लिस्ट सेकंड दे रखी है, आपको करेक्ट मैच करना है, ठीक ना। टोपोग्राफिकल सर्वे, रिकॉन्नाइसेंस सर्वे, जो भी है ये देख लो, कैडेस्ट्रल सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे, ठीक ना। तो मैंने दो तीन तो मैंने आपको बता दिए थे, ठीक ना, ठीक ना, ये और ये तो मैंने आपको बता दिया था कि टोपोग्राफिकल सर्वे कौन सा बताया था मैंने। अगर टोपोग्राफिकल का मैं केवल और केवल एक शब्द ले लूँ टॉप, तो टॉप का मतलब होता है मैं किसी भी चीज़ को ऊपर से देख रहा हूँ, जैसे ये ऊबड़ खाबड़ है, नीचे है, नदी नाले हैं, जो भी मेरे को दिखाई दे रहा है मैं टॉप के यहाँ से देखने पर, ठीक ना, मैं यहाँ से अपनी आई यहाँ से इसको देख रहा हूँ, देखने बाद में जो जो भी मेरे को ऊपर से चीज़ दिखाई पड़ रही है वो इसका टोपोग्राफिकल सर्वे कहलाता है, ठीक ना। अब इसमें देख लो टोपोग्राफिकल सर्वे कौन कौन से के अंदर आता है। ये तीसरा पॉइंट देखो, डू डिटरमाइन नेचुरल फीचर्स ऑफ द कंट्री, ठीक ना, तो ये तो सही हो जाएगा, ठीक ना। और देख लो ये तो, ये भी हो सकता है, लेकिन ये किसके अंदर आ जाएगा, कैडेस्ट्रल सर्वे। क्यों? क्योंकि मैंने कैडेस्ट्रल को पेडेस्ट्रल बताया था, ठीक ना। पेडेस्ट्रल के अंदर क्या होता है, अपन को जो जमीन पर रिलेटेड, जमीन पर अपन चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खेत कहाँ है, जमीन कहाँ है, जायदाद कहाँ है, या जो भी जमीन पर जो भी चीज़ दिख रहा है, जैसे हेडपम्प कहाँ है, ट्यूबवेल कहाँ है, या मकानात कहाँ हैं, बाउंड्रीज कहाँ हैं, सारी ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें अपन ज़मीन पे रहते हुए जो भी सर्वे करेंगे वो कैडेस्ट्रल सर्वे कहलाता है, ठीक ना। तो कैडेस्ट्रल के अंदर अपन देखेंगे तो पहला ही पॉइंट अपन देख पाएंगे तो टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड हाउसेज एंड ईटीसी। ईटीसी का मतलब है जो भी अन्य जो भी बच रहे हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका आप ऑप्शन मैच करेंगे कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, अगर आप दो ही ऑप्शन मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर ए है इसके अंदर ये दो पॉइंट मिल रहे हैं। तो आप इसको बिना कुछ सोचे समझे इसको ऑप्शन नंबर दो पे, ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सी 2004 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक ना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखो आप, छोटो लाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो छोटो लाइट होता है वो कैसे, मतलब कहाँ पर अपन यूज करते हैं, है ना। उसके अंदर मैंने बताया था आपको जब वो छोटो लाइट इंस्ट्रूमेंट था, मैंने बताया था कि वो ओरिजेंटल भी मूव कर सकता है और वर्टिकल भी मूव सकता है, यानी फ्रीली मूव कर सकता है। तो इससे अपन ओरिजेंटल और वर्टिकल में अगर दोनों आराम से मेजर कर सकते हैं, ठीक ना। आपको मैं बता ही देता हूँ एक बार और, ये मैंने आपको थ्योडो लाइट बताया था, ये यहाँ से, ठीक ना, ये मैंने आपको थ्योडो लाइट बताया था, ये हॉरिजॉन्टल भी मूव कर सकता है और वर्टिकल भी मूव कर सकता है, ठीक ना, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल भी मूव कर सकता है, ये पूरा रोटेट हो सकता है, ठीक ना। इसके बाद में अपन अपने लेक्चर पर आते हैं, ठीक ना। ये मैंने आपके दो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आता है अपन का क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये जो बेसिक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है ये तो आपके धीरे धीरे आते जाएंगे आगे आगे जो जो भी होगा। अब आती है बात रेफरेंस सिस्टम की, तो प्लेन सर्वे क्या होता है, जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, प्लेन सर्वे कैसे करते हैं, जियोडेटिक सर्वे कैसे करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो पहली बात तो आप ये जानते हैं या मैं भी जानता हूँ, ये सभी जानते हैं, जो अपन क्या करते हैं वो प्योर, मतलब एक तरह से फ्लैट नहीं है, बिल्कुल सीधी नहीं है, उसमें थोड़ा सा कर्वेचर है, ठीक ना, इस तरह से थोड़े से घुमाव है, ठीक ना। तो फ्लैट तो सर्वेस है नहीं, तो मैं उसको फ्लैट सर्वेस मान के कंसिडर तो कर ही नहीं सकता, उसको मेरे को कर्वेचर ही लेके सर्वे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कंडीशन रखी गई है कि दो तरह के अपन सर्वे कर सकते हैं, तो प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। तो प्लेन सर्वे के अंदर कंडीशन क्या है, जियोडेटिक सर्वे के अंदर कंडीशन क्या है वो देख लो यहाँ पे। दूसरी बात, ये ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर मैं 12 किलोमीटर से ज़्यादा अगर सर्वे करता हूँ लीनियर मेजरमेंट पे, अगर मैं उसको जियोडेटिक सर्वे के अंदर लूँगा तो मेरे को 1 सेंटीमीटर और एड करना पड़ेगा, और मैं प्लेन सर्वे के अंदर लेता हूँ तो 12 किलोमीटर का ही मैं केवल 12 किलोमीटर ही उसको ले लूँगा, ठीक है ना। अब वो कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। ये कोई वो मान लो अपन का एरिया, कि अपन की जो बिल्डिंग रहती है वो बड़ बिल्डिंग का नाम है, जैसे भी पहाड़ वगैरह है, मैं एक मान लेता हूँ कि चलो ठीक है इसकी रेफरेंस लाइन ये, लेकिन मैं देखता हूँ कि कोई बिल्डिंग यहाँ पे, मतलब रेफरेंस लाइन से भी अंदर जा रहा है, कोई ऊपर आ रहा है और कोई अंदर जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, तो ये तो अपन मैं एक रेफरेंस पॉइंट मान नहीं सकता कि मैं इसके रेफरेंस में इसको सर्वे कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको मान सकता हूँ कि यार ये तो थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो मैं और चाहता हूँ कि थोड़ा और ज़मीन के नीचे जाऊँ। तो मैं ज़मीन के नीचे आने के बाद भी एक कंडीशन ऐसी आती है कि हाँ मैं ऐसी जगह पहुँच के जहाँ का पूरा एरिया क्या है, समतल है, एक तरह से फ्लैट तो है लेकिन सर्कुलर है, ठीक ना, ठीक ना। तो इसके बाद में क्या होता है, जो अपन का जियोडेटिक सर्वे है
वो तो अपन जब सर्वे करेंगे तो वो अपन क्या करेंगे, अर्थ की कर्वेचर को काउंट करेंगे या कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। अर्थ की कर्वेचर को क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो अपन की अर्थ है वो एक तरह की कर्वेचर के रूप में ही है, यानी पूरी जो अर्थ है अपन की वो कर्वेचर ही है, ठीक है ना। तो जियोटेटिक सर्वे और प्लेन टेबल सर्वे के अंदर कंडीशन क्या है कि मैं कौन से को कहाँ तक कंसिडर करूँ और किसको कहाँ कंसिडर ना करूँ, तो उसकी कंडीशन नीचे दी हुई गई हुई है। ये तो आपके जियोडेटिकल सर्वे के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं अर्थ की कर्वेचर से एक टेंजेंट खींच लेता हूँ, जो अपन की अर्थ की कर्वेचर इसकी से की सरफेस से एक टेंजेंट खींच लेता हूँ, वो अपन के प्लेन सर्वे के अंतर्गत काम आता है। कि मैं यहाँ से मान सकता हूँ कि मेरे जो सरफेस है वो पूरी फ्लैट सरफेस है, एक तरह से किसी भी तरह का उसके अंदर कर्वेचर नहीं आ रहा, ठीक है ना। दूसरी बात यह थी, टेंजेंट होता है क्या है। टेंजेंट होता है किसी की सरफेस के किसी पॉइंट से खींची गई रेखा उसकी टेंजेंट कहलाती है। मान लो मेरा कोई पॉइंट यहाँ है, अगर मैं इसको इसकी सरफेस से ऐसे खींच लेता हूँ तो इसकी टेंजेंट कहलाती है। मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे, इसकी सरफेस से ऐसे खींच लेता हूँ, इसकी टेंजेंट कहलाती है। और ये कोई पॉइंट यहाँ पे है तो इसकी सरफेस से खींच लेता हूँ तो इसकी ये टेंजेंट कहलाती है, ठीक है ना। टेंजेंट होती है किसी की भी सरफेस से खींची हुई रेखा को टेंजेंट कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो नोट्स के अंदर क्या क्या कह रहा है। इफ मेजरमेंट इज डन बाई टेकिंग ए डेफिनेट सिस्टम एज ए प्लेन, टेंजेंट टू द कर्वेचर इज नोन एज ए प्लेन सर्वे। इसका मतलब है किसी भी कर्वेचर की, अपन मान लो ये मेरा कर्वेचर है, ये घुमा हुआ है, तो इसकी सरफेस से मैं एक टेंजेंट खींच लेता हूँ, उससे जो भी मैं सर्वे करता हूँ इसकी रेफरेंस लाइन से या इसकी रेफरेंस लाइन से मैं जो भी सर्वे करता हूँ वो मेरा क्या कहलाता है, प्लेन सर्वे कहलाता है, ठीक ना। इसकी कंडीशन क्या है वो भी देख लेते हैं आगे। इट कैन नॉट बी डन फॉर मोर देन लार्जर 200 किलोमीटर। यहाँ पर 200 किलोमीटर की बजाय आप 95.5 किलोमीटर कर लो, ठीक ना। अगर मेरा एरिया 195.5 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा है तो उसके अंतर्गत मैं जियोटेटिक सर्वे ही यूज करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको ज़्यादा फ्लैट नहीं मान सकता, एक तरह से फ्लैट नहीं मान सकता मैं, मतलब एक सिंपल सिंपल या एक तरह से क्या बताएं, एक तरह से फ्लैट ही नहीं मान सकता, मतलब एक सीधी रेखा नहीं मान सकता, या उसको प्लेन सर्वे मतलब जियोडेटिक सर्वे कंसिडर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं मान सकता हूँ, मैंने केवल अज्यूम किया कि अगर मैं प्लेन सर्वे करवाऊँ तो वो 195.5 किलोमीटर तक ही अज्यूम करूँगा, ये कंसिडर मतलब ये गिवन नहीं है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कि अगर मैं डिस्टेंस मेजर करवाऊँ या सर्वे करवाऊँ तो उसके लिए मेरे को जियोडेटिक सर्वे ही अज्यूम करना पड़ेगा, या उसी से ही मेरे को करना पड़ेगा। उसके अंदर क्या करूँगा, मैं जो अर्थ की कर्वेचर उसको कंसिडर करूँगा और उसकी अर्थ की कर्वेचर से ही मैं सर्वे करना चालू करूँगा, ठीक है ना। अब देखो प्लेन सर्वे के अंदर होता है क्या, ये तो पूरी फ्लैट है, अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ रखता हूँ और यहाँ पर कोई भी चीज़ रखता हूँ, इसकी रेडियस ये इसकी लंबम लाइन के अनुसार अपन देखें तो ये सीधी रेखा जा रही है, यानी एक दूसरे के ये पैरेलल है, ठीक है ना, यानी किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं आ रहा। तो मैं मान सकता हूँ अगर मैं थोड़ी भी घुमाव होती तो ये थोड़ा इधर आ जाता, थोड़ा इधर आ जाता। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पर डिस्टेंस कम हो जाएगी, और ऊपर चेक करता हूँ तो इस डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो ये क्या हुआ, ये डिस्टेंस मेजर डिस्टर्ब हो जाएगी, जो डिस्टेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि अपन की जो मेजरमेंट में इरर आती है, क्योंकि मैं अर्थ की कर्वेचर को तो कंसिडर कर ही नहीं रहा, मैं प्लेन टेबल प्लेन सर्वे कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक ना, ये समझ में आ गया होगा आपके। जो टेटिक के अंदर क्या करते हैं, अपन की जो अर्थ की कर्वेचर है उसको ही कंसिडर करते हैं, और उसका सेंटर पर जो अर्थ का मेन सेंटर रहता है वहाँ से अपन एज्यूम करके चलते हैं, या जहाँ तक भी उसका सेंटर माना जा रहा है वहाँ से उसको कंसिडर करके चलते हैं। आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ। इफ़ वी वांट टू डेवलप ए मैप ऑफ कंट्री स्टेट और एरिया ग्रेटर देन, ये 200 दे रहेगा ना, इसकी बजाय आप 195.5 किलोमीटर कर लेना, ठीक ना। हालांकि मैंने ये भी पढ़ा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये 200 लिखा हुआ ये भी मैंने पढ़ा है, और 250 भी मैंने पढ़ा है, बट ज़्यादातर मैंने जिस किताबों में देखा है जहाँ जहाँ भी पढ़ा है वो 95.5 किलोमीटर ही देखा है, इसलिए मैं भी आपको ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि अगर आप 195.5 किलोमीटर से ज़्यादा का सर्वे करेंगे तो आपको जियोटेटिक सर्वे ही कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया चौथा पॉइंट। देखो बोथ इज कंसिडर्ड एज कर्वेचर नॉट एज प्लेन फॉर द लार्जर एरिया बिकॉज ऑफ हायर एक्यूमुलेशन ऑफ इरर। अगर मैं केवल और केवल 195.5 किलोमीटर तक का ही एरिया कंसिडर करके प्लेन सर्वे कर लेता हूँ तो वहाँ तक तो ठीक है, अगर मैं इससे ज़्यादा का एरिया कंसिडर करता हूँ या इससे ज़्यादा का सर्वे करता हूँ तो वो मेरे लिए इधर की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? अगर मैंने इसको एज्यूम मान लिया कि मेरे 195.5 किलोमीटर तो की फ्लैट मान लेता हूँ, मैं एक एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक ना। अगर इससे ज़्यादा का मैं एज्यूम करता हूँ तो उसमें क्या फिर कर्वेचर ही कंसिडर करना पड़ेगा, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, मेरे को जियोटेटिक सर्वे ही करना पड़ता है, ठीक ना। इसके बाद में देखो समटाइम्स प्लान सर्वे इज कॉल्ड इंजीनियरिंग सर्वे, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है ना। सारे इंजीनियरिंग सर्वे कहलाते हैं वैसे तो, खैर। बिकॉज इट इज एडोप्टेड फॉर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लाइक बिल्डिंग डैम और ETC, रेलवे हाईवेज प्रॉपर्टीज बिल्डिंग किसी भी तरह का सर्वे करते हैं सारे इंजीनियरिंग सर्वे करने का।
अब आता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, यानी जो मैं सर्वे करूँ उसको किसको बेस मानूँ, कहाँ से कंसिडर करूँ, कैसे करूँ, ठीक है ना, उसका भी देख लो। टू लोकेट एनी पॉइंट विद द हेल्प ऑफ एटलीस्ट टू पॉइंट, पहली बात तो ये ध्यान रखो किसी भी दो पॉइंट्स के रेफरेंस में तीसरे पॉइंट को मेजर करना, वो ये उसका सर्वे कहलाता है, ठीक ना। न्याय समझ, देखो मेरा एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक ना। अब मैं इन दोनों पॉइंटों की साइड से सहायता से तीसरे पॉइंट की डिस्टेंस, उसका एंगल वगैरह मेजर कर सकता हूँ। तो किसी भी दो पॉइंट के रेफरेंस से या उनकी मदद से मैं तीसरे पॉइंट की कंडीशन निकाल सकता हूँ, उसकी लोकेशन निकाल सकता हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज़ निकाल सकता हूँ, ठीक ना। दूसरा देर का है वर्किंग होल टू पार्ट, इसको कंसिडर ध्यान रखने वाली बात है, होल टू पार्ट, होल यानी बहुत बड़ा मान लो, ठीक है ना, और टू पार्ट यानी छोटे में कंसिडर कर दिया, यानी इसको डिवाइड कर दिया मैंने कितने भी एरियों के अंदर। अब इस एक एक के एरिए को मैं कैलकुलेशन करूँगा, इस एक एक की कैलकुलेशन करूँगा या इसका सर्वे करूँगा, इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर मैं डायरेक्टली पूरे के पूरे एरिए को कंसिडर करके उसका सर्वे करूँगा, ठीक है ना, ये पूरे के पूरे डायरेक्ट एरिए को कंसिडर करके उसका पूरा सर्वे करूँगा, तो इससे क्या होता है मेरी बहुत बड़ी एरर आने की संभावना रहती है, ठीक है ना। अगर मैं डायरेक्ट इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे किसी भी रूप में काट सकता हूँ मैं, जैसे भी मेरे को अच्छा लगेगा मैं किसी भी टुकड़े को काट सकता हूँ, और उसके एक एक पर्टिकुलर एरिए को मैं अगर सर्वे करता हूँ, उससे क्या होता है मेरी जो एरर आने की संभावना रहती है कम रहती है। चलो मान भी लेते हैं अगर मेरे किसी इसके अंदर एरर आ जाएगी, और इतने बड़े के रेस्पेक्ट में जो ये एरर इसके अंदर आएगी, मतलब जो भी एरर आएगी वो इसके रेस्पेक्ट में मिनिमम रहेगी या कम रहेगी, तो इसको मैं नेगलेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक ना। अगर मैं डायरेक्टली पूरे के पूरे एरिया की सर्वे कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा जो एरर मेजर आएगी वो बहुत बड़ी एरर रहेगी, और उसको मैं नेगलेक्ट नहीं कर पाऊँगा। तो इससे क्या होता है मैं छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देता हूँ, एक एक पर्टिकुलर एरिया का सर्वे कर लेता हूँ, उससे क्या एरर आ भी गई, मान लो किसी में एरर आ भी गई तो उसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, इतने बड़े एरिया पर इफेक्ट नहीं कर डालेगी या नहीं पड़ेगा उसका, ठीक ना। ये पॉइंट देख लो आप, ये आगे बता दूँगा, ठीक ना, इससे कुछ भी नहीं है फिर भी देख लो, ये मेरा कोई एरिया है उसको मैंने कुछ पॉइंट दे दिए चारों बाउंड्री पे, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे चार पॉइंट दे दिए, चार पांच पॉइंट दे दिए, इन पॉइंट को मिला लिया मैंने ऐसे, ठीक ना। इसके बाद में क्या होता है जो ये तो मेन स्टेशन कहलाते हैं, जो जहाँ जहाँ पर भी मैं पॉइंट डालता हूँ वो अपन के मेन स्टेशन कहलाते हैं, और ये क्या कहलाती है, मेन सर्वे लाइन्स कहलाती है, ठीक है ना, ये मेन सर्वे लाइन कहलाती है, जो स्टेशनों को मिलाने वाली लाइन मेन सर्वे लाइन्स कहलाती है। और अगर मैं चाहे यहाँ से मिलाऊँ, यहाँ से मिलाऊँ, यहाँ से मिलाऊँ, या किसी भी तरीके से मैं कोई भी लाइन किसी भी जगह मिला लूँ, इसमें जो भी सबसे बड़ी लाइन रहेगी, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, ये हो, या कोई सी भी लाइन हो, जो भी इनमें से जो भी सबसे बड़ी लाइन रहेगी वो अपन के कहलाएगी बेस लाइन। ये आगे आएंगे, मैं बस यहाँ पर तो एक डिफरेंस बता ही रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें भी देख लो, ये जो दो पॉइंट रहते हैं इन्हीं के रेस्पेक्ट में किसी की लोकेशन को ज्ञात करना है, उसको कैलकुलेट करना है, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में या उसकी लोकेशन किसी भी तरह की जानकारी उन दो पॉइंटों के रेफरेंस में मेरे को ज्ञात करना है उसका, मतलब एक तरह का सर्वे कहलाता है। यहाँ पर आया ना दो पॉइंट के सर्वे के किस किस तरह कैसे कर सकते हैं, तो उसकी कंडीशन है ये, ठीक ना। चेन की सहायता से अपन जो भी सर्वे करेंगे वो चेनेज कहलाएगा। और होता है ऑफसेट, ऑफसेट क्या होता है, अब मान लो मेरी चेनेज इस तरीके से है, या मैंने चेनेज कर रहा हूँ इस लाइन में लीनियर चेनेज कर रहा हूँ, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस में कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसके परपेंडिकुलर मान लो यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो, तो इसके परपेंडिकुलर जो भी डिस्टेंस मेजर करूँगा उसका ऑफसेट कहलाएगा, ठीक ना। लीनियर मेजरमेंट, टू मेजर द डिस्टेंस इन अलाइनमेंट इज लीनियर मेजरमेंट, किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना एक अलाइनमेंट कहलाता है और लीनियर मेजरमेंट कहलाता है, ठीक ना। रेंजिंग क्या होता है, टू अलाइन ए रेंजिंग इन इज डन, ये तो छोड़ो, टू क्या लिखा हुआ है, टू लोकेट इंटरमीडिएट पॉइंट्स बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द, इसका कहने का मतलब ये है पूरे का, हालांकि मैंने पढ़ रखा है, आप पढ़ लेना। इस पूरे का कहने का मतलब ये, अगर मेरी कोई पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है और मेरी चेन इतनी लंबी है, तो मेरे को क्या होगा, इस पॉइंट को ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर एक रेंजिंग लगा देता हूँ। रेंजिंग क्या होता है वो भी आगे बता दूँगा, फिर यहाँ पर चेन खत्म हो गई तो यहाँ पर कोई पॉइंट लगा दिया मैंने, उसके लिए कोई चीज़ मेरे को गाड़नी पड़ती है, तो वही अपन की रेंजिंग कहलाता है। इसमें भी कंडीशन रहती है, देखो, इफ़ पॉइंट आर नॉट इंटरविजिबल देन इनडायरेक्ट रेंजिंग इज डन। इसका मतलब ये, यहाँ पर देखो, ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रेंजिंग का देख लो, यहाँ पे ये दो ऊपर दो पॉइंट लिखे हुए ना, इसका पॉइंट यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अगर मैं किसी भी चीज़ को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डायरेक्टली व्यू कर रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, ठीक ना, मान लो मेरा ये घर है यहाँ पर कोई पहाड़ है, यहाँ से मैं इसकी डायरेक्ट देख पा रहा हूँ, तो मेरा क्या है, डायरेक्ट विजिबल हो जाएगा। तो इससे क्या कहता है, डायरेक्ट रेंजिंग या डायरेक्ट रेंजिंग कर सकता हूँ इसका मैं, ठीक ना। और अगर मेरे ये मान लो ये मेरा पॉइंट यहाँ पर है, ठीक ना,
ये मेरा पॉइंट यहाँ पे है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं क्या होता है इस पॉइंट को डायरेक्ट नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई पहाड़ आ गया, कुछ पीछे आ गई बिल्डिंग आ गई, कोई बिल्डिंग के कोई पीछे कोई पॉइंट आ गया, तो इसको मैं क्या डायरेक्ट नहीं देख पा रहा हूँ। इसके लिए क्या होता है मेरे को एक पॉइंट दूसरा उसके टॉप में या उसके इसी जगह से रखना पड़ता है, जिससे मैं क्या होता है मेरे पॉइंट को जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ और जो अगला पॉइंट है उसको भी मैं डायरेक्ट विजिबल कर सकूँ, ठीक है ना। तो इससे ये कौन सी रेंजिंग कहलाती है, इनडायरेक्ट रेंजिंग कहलाती है, ठीक है ना। नाउ ए डैश रेंजिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लाइन रेंज रेंज इंस्ट्रूमेंट, हाँ जो भी यही है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन लाइन रेंजिंग कहते हैं, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट इसमें तो कुछ देख लो, नाउ ए डैश रेंजिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लाइन रेंजर, इन दिनों में अपन जो रेंजिंग कर रहे हैं वो लाइन रेंजर की तरह लाइन रेंजर की मदद से कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, देखो आगे देखो वो आगे लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट विद टू पेज में विद रेफ्लेक्ट बोथ दिस साइड रेंजिंग रोड इज ए अलाइनमेंट विद वाइल लाइन रेंजर ओनली वन पर्सन कैन रेंजिंग। इसका मतलब है जो लाइन रेंजर है उसके अंदर किसी भी ज़्यादा पर्सनों की आवश्यकता नहीं रहती, ये केवल एक पर्सन ही मेजर कर सकता है, या इससे एक पर्सन ही इसको कैलकुलेट कर सकता है या कर सकता है सर्वे कर सकता है इसकी मदद से, ठीक ना, ठीक ना। इसके बाद में आता है लीनियर मेजरमेंट, ठीक ना, लीनियर मेजरमेंट अपन अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छे छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, आराम से अच्छे से समझ में आएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। लीनियर मेजरमेंट अपन अगले लेक्चर से करेंगे, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।